तेरा लाख लाख शुक्र है। आखिर तुमने पहुंचा ही दिया हमें यहाँ तक। ये तो सिर्फ एक पड़ाव है बच्ची, मंजिल मंजिल तो भी बहुत दूर है। अल्लाह का शुक्र अदा करो लाला, ना शुक्र मत बनो। बाबा यहाँ बैठकर तुम एकदम जमींदार लगते हो। क्यों माँ? हाँ बराबर जमींदार लगता है। क्यों? मैं सच में जमींदार नहीं हूँ क्या? अब जमींदारी कहाँ रही, अब तो तुम इस गांव के रईस हो। हाँ अब मैं इस गांव का रईस हूँ, अब कोई भी मेरे बराबर का नहीं है। बहुत खुश नजर आ रहे हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हें खुश देखकर तो तुमसे कई ज्यादा खुशी मुझे होती है। आओ जहाँ बैठो मेरे पास। क्यों वहां बैठकर क्या करूंगी, मैं यहाँ ही ठीक हूँ। नहीं दादी, तुम्हारी जगह वहां नहीं है, यहाँ है। यहाँ बैठो, तुम हमेशा मेरे पास यहीं बैठी रहा करो। जैसे शाही दरबारों में बादशाहों की मलिकाएं बैठा करती थी। लाला अल्लाह के पास से ऐसी बातें मत करो जिनसे मुझे डर लगने लगे। इसमें डर वाली कौन सी बात है? खुदा न करे हमारी खुशी को हमारी नजर लग जाए। हाँ दादी, आज मैं बेहद खुश हूं और ये खुशी मुआवजा है उस जिल्लत का जो मेरे बाप दादा ने इसी बैठक के उस कोने में बैठकर उठाई थी। तब उनके बहमो गमान में भी ये बात ना होगी कि कभी उनके खानदान का कोई फर्द यहां बैठा होगा। आज उनकी रूहें खुशी से झूम रही होंगी। अब पिछली बातों को बिल्कुल भूल जाओ और आगे की सोचो। भूल जाऊंगा बेटा, भूल जाऊंगा मैं पुरानी बातों को, मगर तब जब ख्वाजा अजीज और नाथ जी जैसे जमींदार यहां बैठे होंगे सामने साहिलों की तरह, जैसे कभी मैं बैठा करता था उनके सामने, तब होगी मेरे कलेजे की आग ठंडी। क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? उन्होंने बिगाड़ के लिए भेजा मेरे बाप और दादा को। उन्होंने मुझे मेरे बचपन और जवानी में चीथड़े दिए और वही चीथड़े और मैं उनकी नस्ल को दूंगा। इतना गरूर न करो लाला। ये गरूर नहीं है राती, ये तो दुनिया का दस्तूर है। कभी मैंने जमींदारों की तिजोरियां पालने के लिए मेहनत मशक्कत की थी और आज कोई मेरी तिजोरियां भरने के लिए अपना खून पसीना एक कर रहा है, खतरों से खेल रहा है। ख्वाजा साहब ये सामान कहाँ रख रहा है? बस तो ये कौन सा सामान ले आए तुम यहाँ? ये तो कागदी जी ने खुद रखवाया था। हटाओ इस मंसूब की निशानी को, ले जाओ इसे। जमाला इसे यहाँ रख दो मेरे पास, ये वही रहेगा जहां मैं रहूंगी मेरे साथ। राती अब इसकी क्या जरूरत है? अब हम वो नहीं रहे जो कभी थे। क्यों? अब हमारे दिन बदल गए हैं। लाला मैं नहीं बदली हूं, मैं वही हूं जो थी। ओ, समझने की कोशिश करो तुम। मत समझाओ मुझे वैसी बातें जो मैं नहीं समझना चाहती। ना तुम्हें अल्लाह का वास्ता, मुझे बदलने की कोशिश मत करना वरना मैं वापस चली जाऊंगी उसी झोपड़े में। हाँ ये सामान कार की डिक्की से उतारा है, बाकी सामान ट्रक में आ रहा है। ठीक है रख दो। पापा
अचानक से जो किराया वसूल हुआ है उसका कहीं कोई हिसाब नहीं है, और ऊपर से 20,000 मुझसे ले लिए बाजार से सौदा लाने के लिए, लेकिन अभी तक ना तो सौदा आया है और ना ही उसने सौदा भेजा है। बाबा तुम इस थबलाला को कुछ कहते क्यों नहीं? ठीक है, अच्छा से आता है ना अच्छी तरह। बाबा हर वक्त आप यही कहते हो, लेकिन कहते कुछ नहीं। क्या करूं, मार डालूं उसे, कत्ल कर दूं? अरे तुम दोनों का छोटा भाई है वो, अगर तुम्हारी कमाई में से कुछ खर्च कर दे तो क्या उसका गरीबान पकड़ लोगे? पर बाबा उसने अपना कालीन का कारोबार भी तो शुरू किया था, उसका क्या हुआ? उसमें नुकसान हो गया उसका। नुकसान नहीं हुआ है बाबा, दरअसल उसने अपना सारा पैसा शहर में किसी बैंक में रखा होगा, अपनी कमाई का एक भी पैसा वो इस घर में नहीं लाता है, अपनी पूंजी जमा करके रखता है और हमारी कमाई लुटाता है वो। तुम्हारी नहीं सर, तुम्हारी नहीं, वो मेरी कमाई है, मैं अभी जिंदा हूं मरा नहीं हूं। अरे तुम दोनों के लिए कारोबार खड़ा किया है मैंने, क्या उसमें पैसा खर्च नहीं हुआ? अब अगर हम लगा ने मुझसे 60,000 रुपए ले लिए तो तुम्हें जन्म क्यों हो रही है? तो क्या 60,000 तुमसे भी लिए हैं उसने? हाँ लिए, और लिए हैं तो हिसाब भी रखा होगा तुमने। कोई हिसाब नहीं है बाबा, सब कुछ बेहिसाब। क्या मतलब? ये अपने लाल ने हब्बा से पूछिए। अब तुम्हारा क्या खाया उसने? शेर खान को देने के लिए 50,000 रुपए दिए थे और आज ट्रक जंगल से माल लेकर आने वाला था, मगर फिर भी आज शेर खान अपने पैसे वसूल करने के लिए आ गया और कहने लगा पहले पैसा दो फिर माल दूंगा। अब मैं इस वक्त पैसा कहां से लाऊं? लेकिन उसमें हब्बा का क्या कसूर है? उसका कसूर यही है कि उसने शेर खान को पैसे दिए ही नहीं, सिर्फ हिसाब में लिख दिए। लोगों का पैसा लेकर वो कहां जाएगा? हाँ जी सोचे इस बार ये पैसे का हिसाब लूंगा मैं उससे। लेकिन बाबा सब तक सब कुछ लूट चुका होगा। 2,000 ब्लाइंड, 4,000 ब्लाइंड, 8,000 ब्लाइंड, 16,000 ब्लाइंड, 16,000, 16,000 शो, 8, 9, 10, गुलाम बेगम बादशाह, कहाँ चले और नहीं खेलना है क्या? कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। अरे फिर क्या हुआ? ये तकदीर तो बदलती रहती है, फिर ये जुआ तो कोठे की पलायक होती है, कभी तेरी कभी मेरी तो कभी किसी और की, लेकिन असल में किसी की नहीं। लो अरे तुम तो दिल हार बैठे। अरे सच्चे आशिक तो वो होते हैं जो अपनी माशूका को हासिल करने के लिए आखिरी सांस तक जद्दोजहद करते हैं। अरे मेरी मानो तो कुछ समय के लिए घर हो और थोड़ा पैसा लेकर आ जाओ, हो सकता है कि अब की बार तुम्हारी तकदीर तुम्हारा साथ देगी तो हारा हुआ सारा माल वापस लौट आएगा। कितनी बार किस्मत को आजमा हो, आज लगातार 15 दिनों से हारता ही जा रहा हूं। घर से जितना भी पैसा लाया था वो तो पहले ही हार चुका हूं, और मजीद पैसा हासिल करने के लिए जितने कालीन थे सब के सब नीलाम कर दिए और चूहे में हार गए। गाड़ी थी तो आज वो भी चली गई, अब क्या रहा मेरे पास, अब क्या मुंह लेकर जाऊंगा अपने घर? काम मत कर मेरे दोस्त, आओ मेरे साथ। कहाँ? अरे आओ तो, मैं तुम्हें आज फिर उसी जगह ले जाऊंगा जहां ना तुम्हारे गम रहेंगे और ना ही तुम्हारे होश। अब तुम सो जाओ, मैं भी सोती हूं।
जाती, ये तुम्हारा अब भी फर्श पर सोना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे पलट नहीं आती। लगता है तुम मुझसे दूर होती जा रही हो। मैं तो तुम्हारे पास हूँ, तुम ही मुझसे दूर होते जा रहे हो। मुझे डर है कहीं अकेले न रह जाओ। तुम मेरे पास रहो तो मैं कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करूंगा। मैं कब तक रहूंगी? लेकिन दादा, अपने बच्चों को अपने से अलग मत होने देना। मेरे बाद वही तो तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे उनसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है राती। तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है मुझे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। मुझे छोड़कर नहीं जाना। क्या बात है, कुछ परेशान से लगते हो। बच्चों का आपस में इत्तेफाक नहीं है। लसलाला और सिद्धलाला तो आपस में ठीक है। हाँ, मगर दोनों को छोटी सी शिकायत है। तुम बीच में मत पड़ो। आपस में भाई भाई है। एक दूसरे से गिले शिकवे करेंगे तो दिल साफ हो जाएंगे। अगर बात बढ़ गई तो? मैं तो कहती हूँ दोनों की शादी कर देनी चाहिए। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्यों करती ऐसी बात जिससे मेरा मन दुखे? वही इनकी शादी के बाद वो मैं भी सोच रहा हूँ। किसी के साथ बात छेड़ी है तुमने? नहीं, अभी तक तो नहीं। मैं छेड़ू? हाँ, क्यों नहीं। कौन कौन है? लाला, मैं सुभाना। मैं खोलती। नहीं नहीं, मैं देखता हूँ। क्या बात, जल्दी आना। कितनी बार कहा है तुझे लाला नहीं खाजा साहब कहा कर। नहीं मतलब खाजा साहब। हाँ बोल, इतनी रात के क्यों आया? शहर से आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? कोई खास आदमी है। चल। इस वक्त दिल में क्यों नहीं है? वो तुमने आता तो बाबा देख लेता। मैं नहीं चाहता कि बाबा को शक हो जाए कि मैं आया था। और हाँ, इस बात को राजी रखना तुम्हें। बाबा तो ठीक है, लेकिन बात क्या है? मुझे माल चाहिए अभी। अभी इस वक्त? हाँ, मैं पैसे भी साथ में आया, लेकिन माल अभी चाहिए। तुम जमाला को साथ लेकर मंडी वाले गोदाम में जाओ और जितना भी माल तैयार है फौरन ले आओ। ठीक है। सुनो, पुराने घर में भी कुछ माल होगा, वो भी ले आना। बेहतर। आओ सुनाओ, शहर में सब ठीक है? ठीक है फूफा, बाबा को मेरे बारे में शक तो नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं, उसे शक कैसे हो सकता है? वो तो अभी तक तुम्हारे तहसीलदार बनने के ख्वाब देख रहा है। बाबा का ख्याल रखना। पैसा कितना लाया? मेरे पापा का ख्याल रखना फूफा। हाँ रखेंगे। पैसा कितना लाया? 70,000। कहाँ? दे दूंगा, इतनी जल्दी क्या है? माल आने दो। पक्के व्यापारी बन गए हो। Thank you.
बाबा, इस हवलाला से कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाएगा। क्यों? एक तो वो यहां टिक नहीं पाता, दो दिन गांव में रहता और चार दिन शहर में, अब फिर अब हमें उस पर भरोसा भी नहीं रहा। बच्चा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपने सगे भाई पर भरोसा नहीं रहा तुम दोनों को? बाबा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? लस्सा लाला बिल्कुल ठीक कह रहा है, इधर दिन ब दिन कारोबार फैलता जा रहा है और हमें एक ऐसे मुंशी की जरूरत है जो सारा दिन यहां बैठ के काम कर सके। ये काम हब वाला से नहीं होगा। तुम्हारी नजर में कोई भरोसे का आदमी है जिसे मुंशी रखना चाहते हो तुम लोग? मुझे लगता है नेजू ठीक रहेगा। हाँ बाबा, वो ठीक रहेगा, वो दूसरे दुकानदारों का हिसाब भी रखता है और काफी भरोसे का आदमी है, पंडितों का रिश्तेदार। पंडितों का रिश्तेदार है तो जमींदार भी होगा। हाँ काकू, मगर अब उसकी वैसी हैसियत नहीं है, अब तो बेचारा 300 रुपए महाना पर भी काम करने के लिए तैयार है। ठीक है भाई, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो रख लेते हो उसे। किस बात पे बहस हो रही है? लो आ गया, अब पूछो इससे कि दुकानों का किराया इसने किस खाते में डाल रखा है और जो 20,000 रुपया मुझसे सौदा लाने के लिए दिए उस रकम का क्या किया इसने? और शेर खान को देने के लिए जो रकम मैंने दी थी वो कहाँ है? अच्छा, तो तुम लोग बाबा को मेरे बारे में भड़का रहे थे। देखो, हम किसी को भड़का नहीं रहे हैं, तुमसे हिसाब मांग रहे हैं। हिसाब? मगर तुम होते तो हमें मुझसे हिसाब मांगने वाले? देखा देखा तुमने बाबा कैसी बातें करते हैं, ये तो मैं तुम्हारे लिए बर्दाश्त करता हूँ। वरना 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 क्या करना चाहिए तुम? अब्बा, ये तरीका है अपने बड़े भाइयों के साथ बात करने का? भाई होते तो तुम्हें मेरे बारे में भड़काते नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कोई किसी को तुम्हारे खिलाफ नहीं भड़का रहा। अरे रहने दो, मैं सब जानता हूं। क्या कहती है इससे आते रहते हैं? इस तरह नाराज होकर चला गया? इसे कहते हैं अम्मा चोरी और उस पर सीना चोरी। ये सब बाबा का कसूर है माँ, इसी को आपसे क्या हमसे झगड़ा करके चला था। तुम ही कहते कि कूल माल करके सारी की सारी रकम हड़प कर लिया उसने। कैसे कैसा इंसान, मुझे भी तो कुछ पता चले। तुम रहने दो, ये बातें तुम्हारी समझ नहीं आती। कैसी पढ़ाई हो रही है बेटा? अच्छा अच्छा, अब तो कर लेंगे, उसके बाद कहीं नौकरी ढूंढूंगा और बाबा को खूब पैसे भेज दिया करूंगा। मुझे पैसे की लालच मत दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़ा हो जा, ताकि तुम्हारी शादी करके तुम्हारे बच्चों के साथ Oh, my God.